हेलो दोस्तों, मैं रंजीत। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि जीजे कॉलेज में बीएससी बीए या बीकॉम पार्ट टू के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जीजे कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा, और जैसे कि हम यहाँ पर वेबसाइट पर जा रहे हैं, सर्च करना है जीजे कॉलेज बीटा। इस वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद वेबसाइट को खोलना है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगा, उसके बाद आप लोगों को दो काम करना है। अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जो एग्ज़ाम का, मतलब बीएससी पार्ट टू का, बीए पार्ट टू का, बीकॉम पार्ट टू का, या बीएससी पार्ट थ्री, बीकॉम पार्ट थ्री और बीए पार्ट थ्री का आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पहले से आप आईडी नहीं बनाए हैं, मीन्स रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना। तो बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्टूडेंट रोल पर। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और इसके बाद अपना नाम डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना रेफरेंस नंबर। अब पूछिए अगर रेफरेंस नंबर क्या होता है, तो रेफरेंस नंबर वही जो 2020G0 something करके जो स्टार्ट नंबर होता है, उसी नंबर को डालना है और अपना पासवर्ड बना के नया साइनअप करना है। जैसे ही आप साइनअप कर लीजिएगा तो आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड आने के बाद फिर यहाँ पे जाना है स्टूडेंट रोल पर आने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए डायरेक्ट। जैसे कि देखिए हम लॉगिन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर अपना डाल दिए लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन हो चुका है मेरा अकाउंट। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अब हमको देखना है कि किसके लिए हमको एडमिशन लेना है, पार्ट टू या पार्ट थ्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास 6 ऑप्शन है। अगर आपको पार्ट टू के लिए एडमिशन करना है तो पार्ट टू पर क्लिक करेंगे, और पार्ट थ्री के लिए एडमिशन लेना है तो पार्ट थ्री के लिए क्लिक करेंगे। जैसे कि हमको करना है बीएससी पार्ट टू के लिए, ऑनर्स से पार्ट के लिए, तो यहाँ पर क्लिक किए, देखिए कि पेज खुल गया, एडमिशन पेज खुल गया। और एडमिशन पेज खुलने के बाद अपना नाम डालिएगा, फादर्स नेम डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, इंटर फुल एड्रेस मतलब अपना एड्रेस डालिएगा, नेशनलिटी मतलब आप कौन किस देश से हैं वो डालिएगा, उसके बाद जनरल है। यहाँ पर कास्ट पूछता है कौन सा आप कास्ट है, बीसी से हैं, बीसी वन से है या एसटी एससी है। तो अगर बीसी वन से है या बीसी से है तो बीसी से क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप मैरिड है कि अनमैरिड है वो डालिएगा। उसके बाद अपना आधार नंबर, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑनर्स पेपर, जो भी ऑनर्स होगा आपका क्लिक करेंगे। अगर बोटनी होगा, बोटनी ऑनर्स होगा तो बोटनी क्लिक कीजिएगा, केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स होगा तो मैथमेटिक्स, या फिजिक्स होगा तो फिजिक्स। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स पे हम क्लिक किए। उसके बाद लिटरेचर पेपर आप क्या लिए हैं, 50 हिंदी 50 इंग्लिश लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और या डायरेक्ट 100 का हिंदी लिए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकेंड पेपर आ गया सब्सिडरी पेपर में आप जो जो लिए हैं, जैसे सेमेस्ट्री में केमिस्ट्री लिए तो केमिस्ट्री भर देंगे, बोटनी लिए तो बोटनी भर देंगे, या जूलॉजी लिए हैं तो जूलॉजी ले देंगे। उसको भरने के बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, तो कोर्स ड्यूरेशन क्या था, तो 2022 से 2025 तक था। क्या था, 2022 से 25 तक था। अभी करंट ईयर कौन सा है, तो करंट ईयर 2023 है। उसके बाद है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो जैसे जे जे कॉलेज जो है वो पीपीयू से, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। उसके बाद किस कॉलेज से हैं, तो कॉलेज का अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद कॉलेज आईडी कार्ड या रोल नंबर, तो कॉलेज आईडी कार्ड पर देखिएगा आपका एक रोल नंबर लिखा होगा, उस रोल नंबर को भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के साथ ही आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, और पेमेंट का ऑप्शन खुलते के साथ अपना पेमेंट करके वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने मोबाइल के ज़रिए ही एडमिशन ले सकते हैं, एकदम सिंपली। कुछ नहीं करना है, ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।